आज उनके अंत्येष्टि के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए थे, को नहीं बख्शते थे, बिल्कुल ठेठ भाषा में और झारखंडी भाषा में बात करते थे। बहुत ही एक ऐसे नायाब हीरा को आज राज ने खोया है जिसकी शायद ही संभवतः भविष्य में कोई भरपाई हो पाई। सड़क पर बात करने के लिए तो हम लोग हैं नौजवान जो छात्र संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वे लोग सड़क पे तो बात करेंगे 1932 की नियोजन नीति, 60-40 की, तमाम झारखंड के मुद्दों की, लेकिन सदन के भीतर बात करने वालों की थोड़ा सा कमी आई है। लेकिन क्या है, अगर वह जरा सा भी अपने हित की चाहत रखते तो मुझे लगता है मेडिकल सुविधा लेने के बाद, कुछ दिन आराम करने के बाद अपने आप को स्वस्थ कर सकते थे या फिर अपनी आयु को कुछ दिन और ले जा सकते थे। लेकिन हमेशा उन्होंने बीमारी काल में भी, कोरोना काल में भी, गंभीर बीमारी से संकट में रहने के बावजूद भी जनता की सेवा में हमेशा रहे। उन्होंने कभी भी अपने जान की परवाह नहीं की, क्योंकि उनके लिए कहीं ना कहीं उनका जनता जनार्दन ही सब कुछ था। और आज अस्पष्ट शब्दों में यहाँ पर जो लोग जुटे हैं, कदम रखने का स्थान नहीं मिल रहा, यह दामोदर की नदी, यह धरा, यानी लोगों का हुजूम ये बता रहा है कि उन्होंने जन नेता को खो दिया है। यहाँ पर उपस्थित व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपना कोई साथी, किसी ने अभिभावक, किसी ने प्रेरणा स्रोत, किसी ने नेता, किसी ने भाई खोने का काम किया है। और राज्य को एक अपूर्णीय क्षति हुई है जिसकी संभवतः आने वाले भविष्य में भरपाई हो पाएगी। क्या लगता है कि विनोद बिहारी मातो, शक्ति मातो, निर्मल मातो की तरह, ये विनोद बिहारी की तरह, मतलब जगन्नाथ मातो की, चार बार से बहुमत के साथ उन्हें भेजने का कार्य किया, तो निश्चय ही 20 वर्ष यानी एक ऐसी अवधि है जिसमें एक युग की तुलना और गणना आप कर सकते हैं। निश्चय एक युग का अंत हुआ, झारखंड के राजनीति के एक स्वर्णिम युग का अंत हुआ। और इस युग के दौरान उस शख्स ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ लोगों को संदेश दिया, उनसे लोग प्रेरित होकर बहुत कुछ सीखे। उनका समस्त जीवन संघर्षशील रहा, जीवटता भरा रहा। उनको हम लोग बहुत करीब से जानते हैं, बहुत नज़दीक से देखे हैं। उस शख्स ने बहुत कुछ खोया, लेकिन उसके बावजूद चेहरे में कभी शिकन तक नहीं थी, मुस्कुराते हुए जनता की सेवा में सदैव तत्पर रहे और आखिरी समय तक अपने प्राणों का त्याग करने से पूर्व तक उन्होंने जनता की सेवा किया। जयराम जी, काफी समय वक्त उनके साथ आप बिताए हैं, मंत्री जी के साथ? हाँ, निश्चय ही मंत्री बनने से पूर्व उनसे आत्मीय संबंध रहा है, घरेलू संबंध रहा है, भावनात्मक संबंध रहा है, और मेरी कद्र भी बहुत अच्छी करते थे जब भी, चूंकि उनसे अधिकतर सामना फुटबॉल के कि उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते थे, मैंने वीआईपी टाइप के लोग, उनको बोलते थे स्वयं कि थोड़ा सा आप तो मेरे साथ रोज रहते हैं, ये बच्चा को बैठने दीजिए, और बहुत जानकार लड़का है, बहुत तेज लड़का है, इससे जब हम बैठते हैं और बात करते हैं तो बहुत कुछ हम भी सीखते हैं। और मेरे अक्सर पीठ पर हाथ रखते हुए काफी देर बात करते थे जब तक आपका पुरस्कार वितरण नहीं होता था, चूंकि हम फुटबॉल के मैदान से मेरा भी नाता रहा है, कमेंट्री या खेलने के बहाने हम हमेशा जाते थे। तो निश्चय ही मैंने उनको बहुत करीब से देखा है, उनके बारे में जाना है। एक जीवटता भरे इंसान थे जिन्होंने जिंदगी के हर एक मोड़ पर, हर एक संघर्ष करते हुए, मुस्कुराते हुए लोगों को एक पॉजिटिव रहने का संदेश दिया। लेकिन एक बात है जयराम जी की, मतलब जिस तरह के झारखंड हित की मुद्दा मतलब सदन, सड़क से लेकर सदन तक उठाते थे, उनके अंदर एक झारखंडियत थी, झारखंडियत को कमी आज किस प्रकार? निश्चय ही आज अगर मैं बात करूं झारखंड राज्य की, तो आप देख सकते हैं एकमात्र बहुत कम नेता ऐसे हैं जो झारखंडियत मुद्दों पर बात करते हैं, वरना लोग अपना वोट बैंक की बात करते हैं। बड़े बड़े नेता को देखा, बड़े बड़े तूफानी नेताओं को देखा, लेकिन जब झारखंडियत मुद्दे की बात, बहुत ही प्रखरता के साथ सड़क में भी और सदन में भी झारखंडियत मुद्दों पर बात कहा, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाई झारखंड झारखंडियों का है, यहाँ अगर कुछ भी लाभ मिले, प्रति लाभ मिले, तो वह झारखंडियों का मिलना चाहिए, क्योंकि राज्य उनका, उनके पूर्वजों के संघर्ष तप और बलिदान से मिला है, बना है। अब 32 का बात कौन करेगा, जिस तरह से मुखरता के साथ वो सदन में सड़क पे बात करते थे, खुल कर एक पद पे रहते हुए? निश्चय ही सड़क पर बात करने के लिए तो हम लोग हैं नौजवान जो छात्र संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वे लोग सड़क पे तो बात करेंगे 1932 की नियोजन नीति, 60-40 की, तमाम झारखंड के मुद्दों की, लेकिन सदन के भीतर बात करने वालों की थोड़ा सा कमी आई है। लेकिन उम्मीदें हैं कुछ नेता हैं उनके जाने के बाद जो संभवतः उनकी सदन के भीतर भी झारखंडियत मुद्दों की बात को रखें। हालांकि जगन्नाथ महतो जैसा संभवतः कोई अंदर बैठा होगा और ऐसे ही इन्हें टाइगर नहीं कहा गया था। निश्चय ही बेबाक अंदाज में, निडरता के साथ और बिल्कुल ऐसी सहजता के साथ बातों को रखते थे। एक दिन देख ही रहे थे जब अमर कार्यों को लेकर डिबेट हो जाए, अगर तुम्हें जीत जमी तो हमें तोर पटिया ज्वाइन कर लो, और हमें जीतबो तो मंत्री जी तोरा अमर पटिया ज्वाइन करे, तो बहुत ही बेबाक अंदाज था, किसी को नहीं बख्शते थे, बिल्कुल ठेठ भाषा में और झारखंडी भाषा में बात करते थे। बहुत ही एक ऐसे नायाब हीरा को आज राज ने खोया है जिसकी शायद ही संभवतः भविष्य में कोई भरपाई हो पाई। एक छोटे से गाँव से निकलकर चार बार विधायक के और झारखण्ड के शिक्षा मंत्री के पद पर भी रहे, इस तरह के झारखण्ड वासियों को संदेश देना चाहते? देखिये, झारखण्ड
कि माटी में केवल खनिज ही नहीं, इस माटी में मानव रूपी रत्न भी बहुत सारे हैं। जब भारत वर्ष में अंग्रेजों का शासन था, तब इसी माटी में चुहाड़ विद्रोह के महानायक रघुनाथ महतो के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा लंबा आंदोलन लड़ा गया। फिर सिद्धू कानू बिरसा मुंडा के नेतृत्व में तो कई ऐसे आंदोलन इस माटी में हुए हैं। तब कह सकते हैं झारखंड की माटी केवल यहाँ खनिज संपदा नहीं है, इस माटी में विरले रत्न भी हैं और मानव रूपी रत्न भी हैं, जो अपने राज्य को एक साधारण घर से, परिवार से निकलकर आगे जाकर राज्य के हितार्थ के लिए कार्य कर, घर साधारण गांव से, साधारण क्षेत्र से और अति पिछड़े क्षेत्र से आगे निकलकर राज्य में अपना एक सिक्का जमाया, पूरे राज्यवासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत, आदर्श बने, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे उनकी जीवटता, उनकी कर्मठता और जुझारूपन शामिल था। राम जी, खाद्यान्न आधारित स्थानीयता और नियोजन के लेकर अब कौन बात करेगा, उनका सपना पूरा होगा? देखिए, चूंकि आज उनके अंत्येष्टि के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए थे, विधानसभा अध्यक्ष भी आए थे, बहुत सारे अन्य मंत्री विधायकगण भी आए थे, तो मैं चूंकि राज्य के मुखिया भी आए थे, हमारी दृष्टि उन पर पड़ी, तमाम पत्रकारों की दृष्टि उन पर पड़ी, तो माननीय मुखिया अगर राज्य के आए थे, निश्चय उन्हें श्रद्धांजलि देने आए थे। तो मेरा मानना है एक इस वीर पुरुष को, इस नायक को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके विचारों का और वे जैसा झारखंड चाहते थे, झारखंड के लिए जो नीतियां चाहते थे, वो नीतियां परिपूर्ण हो। माननीय जगन्नाथ महतो 1932 के समर्थक थे, अतः माननीय राज्य के मुखिया को चाहिए 1932 के आधार पर जो स्थान नीति लटकी हुई है लागू करें। माननीय मंत्री महोदय खुले शब्दों में कहते थे कि यूपी में अगर कोई टीचर बने तो यूपी का आदमी बने, दिक्कत नहीं है, बिहार में बिहारी आदमी टीचर बने, दिक्कत नहीं है, झारखंड में झारखंडी बनना चाहिए। अतः 60-40 की जो नीति आई है, जिसको लेकर झारखंड के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस नीति को रद्द करते हुए झारखंड के स्टूडेंट को मैक्सिमम लाभ हो, ऐसी नीति बने, यही होगी उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि। झारखंडी विरोधियों को मुखर जवाब देते थे वो? हाँ, निश्चय ही, और इसीलिए उनके आज ये जो हुजूम आप देख रहे हैं, निश्चय ही आज कई सालों में मुझे लगता है किसी राजनेता के अंत्येष्टि में इस प्रकार का हुजूम देखने को मिला है। इसका कारण यही था, पक्ष हो विपक्ष हो, उनके आलोचक भी उनके प्रशंसक रहे हैं, जिन्होंने उनकी आलोचनाएं भी की है, उन्होंने उनकी प्रशंसा भी की है, आज उसी का ये परिणाम है कि आज यहाँ जगह नहीं मिल रहा है। और बिल्कुल विपक्षियों को ऐसे शब्दों के साथ आघात करते थे जिसे विपक्षी को माने अचंभित कर देते थे, साफ शब्दों में कहा जाए तो माने कभी उन्हें डर भय नहीं रहा। और टाइगर शब्द का मतलब ही होता है जो निडर होता है, जो निर्भीक होता है, जो साहसी होता है, जो वीर होता है। तो निश्चय ही उनमें थोड़ा धीमा हो जाता है, लेकिन रुकता नहीं है, ये सर्वमान्य और सर्वसत्य है। तो अब उन्हें, उनको अनुकरण करते हुए, उनके पथ को अनुसरण करते हुए हमें भी आगे बढ़ना होगा, और उन्होंने जो पथ दिखाया है, जो वो चाहते थे, उसे हम लोग को करने का प्रयास करना होगा। निश्चय ही वो एक ही थे, लेकिन हम लोग उनके जैसा करने का प्रयास करेंगे और कर लिए तो ये हम लोग के लिए गौरव का विषय होगा। उनका सरनेम से जाना जाता है, क्या लगता है कि डुमरी विधानसभा जो चुनाव होने वाला है उसका बड़ा रंग रूप? देखिए, आज मैं चाहूंगा, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ, अगर इस तरह की बातें उचित नहीं होंगी, आज उस महानायक को ही केवल याद किया जाए, उनके बलिदान को याद किया जाए, उनके संघर्ष को याद किया जाए, उनके सोच, उनकी नीतियों को याद किया जाए, इस पर आज हम लोग बात करना चाहेंगे। देखिए, प्रयास कर सकते हैं, राज्य की जनता प्रयास कर सकती है, राज्य के मुखिया को प्रयास करना होगा। और वास्तव में झारखंड के महापुरुषों की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब वो जिस हालात में झारखंड को देखना चाहते हैं, जिस परिस्थिति में झारखंड को देखना चाहते हैं,